नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू। 2 किलो 600 ग्राम अफीम की बरामद। जालंधर में नकली एक्साइज अधिकारी बनकर आए लुटेरों में से 4 को पुलिस ने किया काबू। जालंधर के शेखा बाजार स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में बेअदबी की घटना आई सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। कमिश्नरेट पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल की पुलिस ने राजस्थान से तस्करी कर लाई गई अफीम सहित एक तस्कर को काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर एस भूपति ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान कुलवंत सिंह निवासी गांव कबरवाला जिला बुक्सर के तौर पर हुई है। आरोपी के पास से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 2 किलो 600 ग्राम ओपीएम रिकवर किया। ये जो कमिश्नरेट पुलिस टीम जालंधर अंडर सुपरविजन ऑफ कवलप्रीत सिंह एडीसीपी, इन अदर टीम बढ़िया काम किया। जो ओपीएम रिकवरी के साथ एक दोषी जिसका नाम कुलवंत सिंह है, मुक्सर का रहने वाला है, इस दोषी ने गिरफ्तार किया। और ये पता लगा ये जो दोषी है इन्होंने आगे राजस्थान तो ये माल लेके आंदे। पर यह भी पता लगा इधर खिलाफ ऑलरेडी एक राजस्थान पुलिस के पास पापी हस का मुकदमा भी दर्ज रिकवरी भी है। और इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जालंधर की छोटी बारादरी स्थित एक घर में दिन दिहाड़े लगभग 1.25 महीने पहले एक्साइज अधिकारी बनकर आए लुटेरों में से 4 को पुलिस ने काबू कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर एस भूपति ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 8 लाख की नकदी, सोने के गहने, वारदात में इस्तेमाल की गई फॉर्चूनर गाड़ी, एक्टिवा और तेज धार हथियार भी बरामद किए गए हैं। जबकि इस मामले में 2 आरोपियों की अभी तलाश जारी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। माड़े अंसरां दे खिलाफ मुहिम जिहड़ी चलाई गई है, उहदे दौरान सानू साडी सीआईए टीम नूं अज काफ़ी वड्डी सफलता मिली। जदों असीं एक मुकदमा नंबर 170 डेटड 14/10/22 अंडर सैक्शन 393-454-34-170 IPC डिवीजन नंबर 7 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 4 के अधीन आते शेखा बाजार में गुरुद्वारा सिंह सभा में एक बेअदबी की घटना सामने आई है। हालांकि यह घटना एक दिन पुरानी बताई जा रही है, पर इसकी सीसीटीवी फुटेज और सिख जत्थेबंदियों की ओर से शिकायत करने के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी पर पर्चा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP गुरमीत सिंह ने बताया कि शेखा बाजार में गुरुद्वारा सिंह सभा में एक अमृतधारी नौजवान ने उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर दूध गिरा दिया जब वहां पर पाठ चल रहा था। एक दिन पुरानी इस घटना के बारे में जब पुलिस को शिकायत की गई तो आरोपी हरकीरत को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जब इस पूरी घटना के बारे में जब आरोपी के माता पिता से बात की गई तो उनका कहना था कि हरकीरत सिंह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और उसने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। हालांकि पुलिस इस मामले में हरकीरत सिंह को रिमांड पर ले चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। वो इस तरह से जी भी बाजार शेखा बाजार के गुरुद्वारा साहब ने सिंह सभा गुरुद्वारा साहब शेखा बाजार उत्थे यह परसों की गल हैगी। कल मॉर्निंग सानू सिख तालमेल कमेटी वालों जी है एक दरखास्त कंप्लेंट मिली सी कि भी गुरुद्वारा शेखा बाजार के जोड़े है भी बेअदबी हुई है। एक्चुअल की एक नौजवान से अमृतधारी सिंह वह भी है वा जिहदा नाम हरकीरत सिंह है। तो इन्होंने की किया है कि इन्होंने एक जरा दुध का पैट लैके गुरु साहब के मतलब उपर जोड़ा इन्होंने डोलता सगा तो वो संबंध में जोड़ा है असी कल जोड़ा है मुकदमा नंबर 136 अंडर सैक्शन 295A थाना डिवीजन नंबर 4 के दर्ज कर लिया।
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਥਾਣਾ 4 ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਂਕ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਕੇ ਦੰਪਤੀ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਪਕੜੇ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਯੇ ਦੰਪਤੀ ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੇਕਰ ਗਾਣੇ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕਰ ਨਾਚਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਂ। गौरतलब रहे कि पंजाब सरकार की ओर से जिले के डीसी को आदेश दिए गए थे कि अगर कोई व्यक्ति हथियारों के गानों को प्रमोट करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही जरूर की जाए, लेकिन फिर भी लोग हथियारों के साथ फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो वहीं कुल्लड़ पिज़्ज़ा के नाम से मशहूर दंपत्ति की वीडियो वायरल होने के बाद बड़े बड़े दावे करने वाली पुलिस को इस बारे में कुछ पता भी है या नहीं, और ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं जब इस वीडियो के बारे में थाना प्रभारी मुकेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं है। वहीं इस वीडियो के बाद थाना डिवीज़न नंबर 4 की पुलिस ने कुल्लड़ पिज़्ज़ा दंपत्ति सहज अरोड़ा व उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर पर FIR नंबर 137 में धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में ACP सेंट्रल निर्मल सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है कि वह खिलौना गन थी या असली गन, यह मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਡੋਣਾ ਕੋਈ ਮਕਲੋੜਗੰਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੌਂਕ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਟੋਏ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਹੈਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ, ਅਤੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਮ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 5-7 ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਜਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਟੋਏ ਗਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਵਾਲ ਤੇ ਹੈਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੜ ਬੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 137 ਡੇਟਡ 22/11/22 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਜਲੰਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਟ ਆਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰ 188 ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਆਰਮਡ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 188 ਦਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡ ਔਰ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। सिद्धू मूसेवाला चाहे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी पूरी दुनिया में गूंज रही है और आज भी उनके गीत गाकर सिद्धू मूसेवाला को याद किया जा रहा है। इसी के तहत नाभा ब्लॉक के गांव ललोडा के असीम की ओर से सिद्धू मूसेवाला को उनके गीत गाकर याद किया जा रहा है। असीम की उम्र 9 वर्ष की है और वह 6ठी कक्षा का छात्र है, और जो भी उसकी आवाज़ को सुनता है उसे सिद्धू मूसेवाला की याद आ जाती है। असीम का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला की तरह ना कोई लिख सकता है और ना ही कोई उनकी तरह गा सकता है। उसने कहा कि वह सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करता है और उसे प्यार करता है। उसे सिद्धू मूसेवाला के सभी गाने याद हैं जिन्हें वह गुनगुनाता है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट।
ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਲ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣੇਗਾ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਲੇਜੈਂਡ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੇਜੈਂਡ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹੂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੀਤ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ, ਆ ਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੋਈ, ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। भगवान वाल्मीकि संघर्ष सेना संस्था छंडियाला गुरु की ओर से गरीब तथा ज़रूरतमंद लड़कियों के विवाह करवाए गए। यह विवाह समागम वाल्मीकि संघर्ष सेना के प्रधान दिलबाग सिंह की अगुवाई में अरोड़ा बंस हॉल छंडियाला गुरु में करवाए गए, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की धर्मपत्नी सुरेंद्र कौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर संस्था के नेताओं ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से उनकी संस्था की ओर से यह विवाह समागम लोगों के सहयोग से करवाए जाते हैं। इस मौके पर नव विवाहित जोड़ों को घरेलू जरूरतों संबंधी सारा सामान भी दिया गया। इस दौरान आए हुए लोगों के लिए लंगर भी लगाया गया। छंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज दा प्रोग्राम असी हर साल दी तरह जिहड़ा विजय दिवस दा प्रोग्राम करते हैं कि जो भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने घोड़ा सड़िया सी तां लव कुश ने घोड़े नूं पकड़ के ते ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਵਾ ਔਰ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਔਰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸੰਘਰ ਸੈਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਨਕੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 'ਚ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਬੈੱਡ ਆ ਜੀ ਔਰ ਬਿਸਤਰੇ ਆ ਜੀ, ਸੂਟ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚੰਡਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। शिवपुरी मंदिर प्रबंधक कमेटी बस्ती दानिशमंदा की ओर से बालाजी महाराज की साप्ताहिक चौंकी करवाई गई, जिसमें पंजाबी लखा और नागपाल एंड पार्टी ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर महावीर सेना के प्रधान राकेश सोनिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर राकेश कश्यप, अशोक लुथरा, शालू और सोनू सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। मैं अपनी शिवपुरी मंदिर प्रबंधक कमेटी बस्ती दानिशमंदा की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ दैनिक सवेरा चैनल का और हमारे आदरणीय बाबू जी श्री शीतल बिजी का और हमारे बस्ती क्षेत्र के क्राइम रिपोर्टर हमारे जगमोहन जी का, जिन्होंने मंदिर प्रांगण में आकर के बालाजी की चौंक कवर किया।
और बाबू जी का हमेशा प्रयास रहा है धार्मिक जितने भी कार्य हो वो पहल के आधार पर वो काम करते हैं धार्मिक कार्य के लिए। इसके लिए मंदिर कमेटी उनका एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद करती है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बस्ती धाम शमंदा में मंदिर निर्माण कार्य का काम हो रहा है। उसी निर्माण कार्य के अंतर्गत आज बालाजी की दूसरी चौकी है मंगलवार को, और ये हर मंगलवार को बस्ती धाम शमंदा शिवपुरी मंदिर में 7:30 से लेकर 9 बजे तक होगी। और इसमें जितना भी धन एकत्रित होगा उतना धन सारा मंदिर निर्माण कार्य में लगेगा। और मैं बस्ती निवासियों से निवेदन करूंगा कि इसमें अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें, दान दें इसमें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा इस मंदिर की जो प्रथा है बहुत पुराना मंदिर है, ये बहुत पूर्वज मंदिर है, और जहाँ जो भी मनोकामना देकर आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि हर मंगलवार को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे इस चौकी में पधारें और अपना यथाशक्ति सहयोग दें। तो इसके लिए मंदिर कमेटी आपका एक फिर सभी बस्ती निवासियों का, सभी शहर निवासियों का, दैनिक सवेरा चैनल का। श्याम सुंदर चोपड़ा, जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय श्याम सुंदर चोपड़ा को मुखाग्नि उनके बेटे अमित चोपड़ा ने दी। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पारिवारिक सदस्यों में पत्नी विजय कुमारी चोपड़ा, पूजा चोपड़ा, परम भंडारी, मंजू भंडारी सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय श्याम सुंदर चोपड़ा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 2 किलो 600 ग्राम अफीम की बरामद। जालंधर में नकली एक्साइज अधिकारी बनकर आए लुटेरों में से 4 को पुलिस ने किया काबू। जालंधर के शेखा बाजार स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में बेअदबी की घटना आई सामने, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।